इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है। सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज का मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। रूल नंबर वन, ये सॉलिड स्फीयर के अगर वॉल्यूम के अंदर चार्ज है तो ये कभी कंडक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज को डालोगे वो रिपेल करके सरफेस के बाहर आ जाएगा। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता, लोहे का स्फीयर होता, कंडक्टर होता, तो चार्ज एरिया वाइज ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता, वॉल्यूम वाइज कंडक्टर में चार्ज कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो इसीलिए ये स्फीयर क्या है, नॉन कंडक्टिंग, बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग। और दूसरी चीज, मैंने गलती से इसके सरफेस के ऊपर भी चार्ज ड्रॉ कर दिया, इसको प्लीज हटा लो, चार्ज सिर्फ वॉल्यूम के अंदर है, सरफेस एरिया नहीं है, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो और इसमें रो क्या होगा, डेंसिटी, कितना चार्ज है इसमें, क्यू चार्ज है, और कितने वॉल्यूम पे है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R³। तो ये डेंसिटी की वैल्यू है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपने को रो की इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया यहां तक। अब पहला पार्ट है, हमें क्या करना है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे ई निकालना है। तो हमें ये स्फीयर गिवन है, कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर गिवन है, और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अपने को ई निकालना है। तो रूल सिंपल है कि जब भी आपको एक स्फीयर गिवन है और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गिवन है जिसमें कि, तो सपोज ये एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। तो इसके अंदर अगर मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, बाहर निकालनी है कहीं पर, तो रूल नंबर वन, टेक अ गॉशियन सरफेस। अब गॉशियन सरफेस यहाँ पे भी है, गॉशियन सरफेस यहाँ पर भी है, गॉशियन सरफेस यहाँ पर भी है, अंदर भी और बाहर भी है। तो अगर मैं इस सभी गॉशियन सरफेस को मिलाऊं तो इमेजिनरी क्या बन जाएगा, स्फीयर, इमेजिनरी है, स्फीयर बन गया। गॉशियन सरफेस वो सरफेस है जिसके ऊपर हम ई की वैल्यू को निकालते हैं, तो ई की वैल्यू हम इसके ऊपर निकालते हैं। तो ई कैसे होगा, अगर मैं यहां प्लस वन रखूं तो ये पूरा पॉजिटिव इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। तो ई वेक्टर बाहर की तरफ होता है इसमें, और एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, बाहर की तरफ ही होगा। आप अगर एरिया यहां लेते हो तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और ई वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। तो ई और डीएस में एंगल क्या बनेगा, जीरो, ठीक। तो अगर मैं यहां पर वापस आऊं, ये देखो, तो ये रहा गॉशियन सरफेस, इमेजिनरी है, ई और डीएस में एंगल जीरो, तो इसका स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डीएस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है। और इस रेड कलर की इमेजिनरी गॉशियन सरफेस का रेडियस छोटा आर है, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं और टोटल फ्लक्स निकालूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मुझे क्या देगा, 4π r² तो मेरे पास फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू 4π r². तो क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो किसी भी क्लोज बॉडी का तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बताओ कि मेरी गॉशियन सरफेस कहाँ है, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो ये रेड कलर की गॉशियन सरफेस है जो कि क्लोज्ड है, उसने कहा कि इसके अंदर कितना चार्ज है बस ये बता दो, ताकि इसका टोटल फ्लक्स आ जाए। इसके अंदर कितना चार्ज है, ये ब्लैक कलर का चार्ज है जो एक्चुअल चार्ज है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, वॉल्यूम वाइज। तो क्या होगा इसमें, क्यों इनसाइड में, रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके वॉल्यूम से, इसका वॉल्यूम क्या है, 4π r³, ये रहा बड़ा आर क्यूब, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4π r³ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है यहां तक। गॉशियन सरफेस जब निकलता है उसमें जो एरिया लिया जाता है वो गॉशियन सरफेस का होता है, वो छोटे आर में है, लेकिन जब वॉल्यूम निकाल, जब चार्ज निकाल रहे हैं वो किस वॉल्यूम में चार्ज है, तो रो इंटू 4π r³, ठीक। इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ई और फ्लक्स, और फ्लक्स को 4π 4π कैंसल, तो हमारे पास फाइनली ई की क्या वैल्यू आ गई, रो आर क्यू बाई 3 εr² फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है, रो इंटू कैपिटल आर क्यू बाई 3 εr² छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू कहां पर आई, सॉलिड स्फीयर के बाहर आई। अब अगर सॉलिड स्फीयर के ऊपर निकालनी है तो छोटे आर को बड़े आर के
इक्वल कर दे, स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही बात है, तो स्मॉल आर को यहाँ पर कैपिटल आर पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड फॉर्मूला याद करना है, सॉलिड स्फीयर के ऊपर ई की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है रो इंटू आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, बहुत यूज होती है ये फॉर्मूलाज में न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में, तो रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, अगर मुझे ई की वैल्यू अंदर निकालनी है सॉलिड स्फीयर के, अब जीरो नहीं होगी क्योंकि शेल में इसलिए जीरो थी, अंदर चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर चार्ज है, तो ये एक सॉलिड स्फीयर है जो चार्ज्ड है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, मुझे क्या निकालना है ई निकालना है, तो गॉशियन सरफेस लेंगे स्मॉल डीएस, तो अगर मैं स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गॉशियन सरफेस लूं और सबको मिलाऊं तो इस बार फिर से स्फीयर बनेगा, पर स्फीयर अब छोटा बनेगा, अंदर बनेगा, तो ये बनेगा स्फीयर, तो इसमें एरिया वेक्टर और ई वेक्टर फिर से एंगल जीरो, इसमें गॉशियन सरफेस छोटे आर रेडियस की है, इसमें फ्लक्स क्या होगा गॉशियन सरफेस का ई डी एस कॉस जीरो, तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना है इसका तो अपने को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में एरिया क्या पुट करेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अब यहां पर गॉशियन सरफेस जो है वो ये है, ये एक गॉशियन सरफेस है, गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो गॉस थ्योरम ने सिर्फ अपनी गॉशियन सरफेस का अंदर चार्ज देखना है, ये जो चार्ज बाहर छूट गया वो बिल्कुल भी नहीं देखना, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसके अंदर कितना चार्ज है, तो आप इसके अंदर का वॉल्यूम बोलो कितना है 4 बाय 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि हमने स्मॉल आर डिस्टेंस का ही तो वॉल्यूम चार्ज लेने है, तो चार्ज क्या होगा इसमें रो, रो का मतलब क्या है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, को वॉल्यूम से इसके अंदर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया 4 बाय 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले केस में इसी में जब हम बाहर ई निकाल रहे थे तो हमने इसमें क्या लिया था चार्ज रो इंटू 4 बाय 3 पाई बड़ा आर क्यूब, क्यों, क्योंकि गॉशियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज है तो इसका वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, लेकिन इस केस में, इस केस में वॉल्यूम इतने तो ये चार्ज है, तो ये फ्लक्स की वैल्यू और ये फ्लक्स की वैल्यू इन्हें इक्वेट कर दिया, ई की वैल्यू आ गई रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है यहां तक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें इन दी एंड एक और चीज देखने वाली है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, मैंने सॉलिड स्फीयर के बाहर ई की वैल्यू जो निकाली वो क्या निकाली रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन रो डेंसिटी है क्या इस पूरे स्फीयर की चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, अगर मैंने ये वैल्यू यहां पर पुट की सॉल्व किया तो मेरे पास वही आंसर आ गया जो नॉर्मली आपको याद होता है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में चार्ज गिवन है और कैपिटल आर गिवन है या स्मॉल आर गिवन है फिर तो ये लगा लेना फॉर्मूला, पर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में रो गिवन होता है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डेंसिटी को टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, वही आंसर आ जाएगा क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर इनसाइड है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इनसाइड में स्टैंडर्ड एक ही फॉर्मूला है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप आउटसाइड हैं तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है, और अगर आप इनसाइड हैं तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं, एनसीईआरटी में भी आएगा कि इनसाइड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आउटसाइड में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक,